ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोविड महामारी में योग के महत्व पर मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर वी बासव रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और शरीर को स्वस्थ रखने में योग का विशेष स्थान है। डॉक्टर ईश्वर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय कोरोना काल में योग द्वारा हम अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस संदर्भ में तीन बातें मैं कहूंगा। एक तो है कि कोरोना हुआ नहीं लेकिन कोरोना होने का संभावना है, घर में बैठे हुए क्वारंटाइन है, आज हम तनाव में है पूरा सोसाइटी, इसलिए वो जब स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, मूवमेंट कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और मन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस और डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं। सो इसके लिए योग काम आएगा। दूसरा है कि जो कोरोना हुआ है और कोरोना पेशेंट के साथ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स है, हमने कुछ सिंपल सा योगा, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ऐसे कुछ प्रोग्राम हम तैयार किया, वो उपयोग आएगा। तीसरा ग्रुप है कि कोरोना हो चुका है लेकिन हम नेगेटिव में आ गया है, रिहैबिलिटेशन, नेगेटिव आने के बावजूद भी आप लोग कम से कम एक महीने तक कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करेंगे और एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, तब आप ज्यादातर सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर, बात करते हैं उन लोगों की जो कोविड नहीं हुआ है, घर पर हैं और योग के द्वारा अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें मैं पांच सिद्धांत बताऊंगा। सबसे पहले होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींसिंग। हम सवेरे जो उठते हैं, उठने के बाद हमने हाथ मुंह धो लेते हैं, ऐसे आपने गॉगलिंग किया, कुछ नेति, जल नेति, सूत्र नेति नहीं होते, एवरीडे वात नेति, और ये नाजल पैसेज है, रेस्पिरेटरी अपर पैसेज है, उनको थोड़ा सा सफाई करना है। नेति, धोती, कपाल भाती तीन क्रियाएं हैं, तो उसको सीखना पड़ता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस कहते हैं, ये हर रोज करना है। सेकेंड वन इज डाइट। आहार में हमने तीन सुलभ उपाय बताते हैं, वन इज सात्विक एंड न्यूट्रिशियस, दूसरा है कि जो सीजनल एंड लोकल फूड है, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं आपको इम्यूनिटी डेवलप करने, तीसरा है कि जो आप खाना खाएंगे नियमित समय पर खाएं और थोड़ा सा जो भूख है उससे कम खाएं, ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ने में सहायक होता है। तीसरा है हमारा जो हम बैठ कर एक्सरसाइज नहीं होता है, बॉडी हेवी हो जाती है, इसलिए हमने 8 से 10 योगासन का, स्टैंडिंग में 2, सिटिंग में 2, प्रोन लाइंग में पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेकर 2-2 आसन, ये 8-10 आसन करने से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। चौथा है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और प्राणायाम हमारा लंग्स कैपेसिटी बढ़ाते हैं, लंग्स कैपेसिटी बढ़ने से, ब्रीदिंग लंबा होने से मन एकाग्र होता है। पांचवा है ध्यान, मेडिटेशन। तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, पोस्टल मॉडिफिकेशन, ब्रीद मॉडिफिकेशन एंड मेडिटेशन, दीज आर दी 5 इंटेग्रेटेड मॉडल हमने पाया है। ज्यादातर लोग रोग निरोधक शक्ति डेवलप करते हैं और तनाव और डिप्रेशन से हम दूर रहते हैं। डॉक्टर ईश्वर, जो योग करने का समय है वो सही समय क्या है और हमें कब कौन सा योग खाली पेट करना है और कौन सा हमें कुछ खाने पीने के बाद भी हम कर सकते हैं? सबसे सही समय है योग करने का सूर्योदय से पूर्व 2 घंटे का समय होता है, तो दैट इज द बेस्ट। लेकिन नहीं हुआ तो सूर्योदय के बाद 2 घंटे होता है, उसमें भी योग करने से इतना ही हमें अच्छा बहुत मैक्सिमम फल मिलता है, क्योंकि वहाँ पेट और इंटेस्टाइन सारे खाली होती है। तब हमने योग करने से हमारा वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड किडनी, सो मॉर्निंग टाइम पर विशेष तौर पर हवा चलती है, सो वहाँ हमने किया तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जो भी आप योग करना चाहते हैं बाकी समय में, खाली पेट नहीं हुआ तो लाइट स्टमक, खाना पीना किया तो 1-2 घंटे छोड़कर थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें, बाद में हल्का सा योगाभ्यास करें, शाम को सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक योगाभ्यास कर सकते हैं, वहां भी आपका लाइट स्टमक रहता है। लेकिन ये 15 मिनट का, 5 मिनट का ब्रीदिंग, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कभी भी दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन लाइट स्टमक कंपल्शन है। और आपने डॉक्टर ईश्वर जैसे वाइटल ऑर्गन्स की बात की और कोरोना काल में लंग्स यानी फेफड़ों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में किस तरह से हम योग के द्वारा अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं? सबसे पहले लंग्स स्वस्थ रखने के लिए हमने 3 चीजें बताया। वन इज रेस्पिरेटरी पैसेज मस्ट बी क्लीन, जो हमारा नोज है, लैरिंग्स है, सारे वहां तक जो श्वास नाली कहते हैं हम लोग, वो स्वच्छ होना चाहिए, इसलिए हमने नेति, धोती, कपाल भाती क्रिया भी करते हैं। दूसरा है कि रेस्पिरेटरी मसल्स मस्ट बी स्ट्रांग, जैसे हमने कुछ अर्ध उष्ट्रासन,
वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, चार पांच आसन जो करते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल। ब्रीदिंग में चालू में हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसको हमने उधर श्वास कहते हैं, बाद में थोरासिक ब्रीदिंग, चेस्ट में छाती का श्वास कहते हैं हम लोग, ऊपर का क्लेविकुलर ब्रीदिंग, अपर ब्रीदिंग। सो ये तीनों को हमने सेपरेट सेपरेट महसूस करके करते हैं। बाद में योगिक डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है छोड़ना है। ये कहने के बाद जब आप ब्रीदिंग चालू करते हैं, सबसे पहले एक ब्रीदिंग के लिए हमें कितना समय लेता है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में 15 से 18 बार श्वास प्रश्वास करते हैं, मतलब एक ब्रीदिंग लेने के लिए 3 से 4 सेकंड समय लेंगे। हम उसको लंबा करेंगे, 3 सेकंड श्वास ले, 3 सेकंड श्वास छोड़ें। 2 दिन के बाद 4 सेकंड श्वास ले, 4 सेकंड श्वास छोड़ें। ये हर 2-2 दिन एक एक सेकंड आप बढ़ता जाएंगे। 15 दिन में आप 6 से 8 सेकंड श्वास लेंगे, 6 से 8 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। आपने 18 बार ब्रीदिंग करने वाले एक मिनट में 4 ब्रीदिंग में आ गया सहज श्वास प्रश्वास। लेकिन 1-2 श्वास नहीं करना है, कम से कम 10-12 श्वास प्रश्वास का करना है जी। और डॉक्टर ईश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अंदर कोविड में हम ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कुछ लोगों का कभी कम हो जाता है, तो ऐसे में क्या ये इस तरीके से हमें योग और प्राणायाम करने से उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है? यहाँ कॉशन मैं कराऊंगा, जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल जो 90 के नीचे हो जाती है, इमिडिएटली आपको सजग होना चाहिए, क्योंकि आपका लंग्स हेल्दी नहीं है, कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादा हो गया। कोरोना वायरस का लोअर लंग्स का, फेफड़े का लोअर हिस्सा पर बहुत होता है, पस वगैरह चालू हो गया, जितना भी करें हम उसमें समाधान नहीं कर सकते। लेकिन कहां हमने एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन लेना जरूरी है, क्योंकि आप ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, नाउ यू नीड द ऑक्सीजन। हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा हम वेंटिलेटर पर न चले, ऑक्सीजन ले, एंटीबायोटिक्स ले। तब हमने दिन में 2 बार मिनिमम और 4 बार मैक्सिमम, 5-6 घंटे में एक एक बार हमने 15-15 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10-10 राउंड का करवाते हैं, लोअर एब्डोमेन लेट कर ही करना है। हमारा वीडियो है हम yogamdnivy.nic.in साइट में मिलेगा। और डॉक्टर ईश्वर, वो लोग जिनमें सीवियर कोविड हुआ, अस्पताल में जिन लोगों को भर्ती होना पड़ा, इसके बाद वो घर पे आए, तो जब लंग्स काफी वीक हो तो किस तरह के आसन या योग को हमें करना चाहिए? हाँ, उसमें सिंपल है, 3 सेकंड सांस लेना है, 3 सेकंड श्वास छोड़ना है। ये आपने 2-3 सेकंड का आपने 6 सेकंड भी कर दिया, एक बार आपने लेटा है, आपने 3 सेकंड सांस ले लो, 3 सेकंड सांस छोड़, ऐसा ऐसा सांस छोड़ने का जो मात्रा है उसको बढ़ा दे। बाद में आपने 6 सेकंड श्वास लिया, 6 सेकंड श्वास छोड़ने का प्रयास करने लगेंगे, अपने आप आपको लगेगा आपका फेफड़े का शक्ति वृद्धि हो गई। लेकिन कम से कम 10-12 राउंड करना आवश्यक है, तभी एक रिदम बनेगा, तभी आपको एक क्षमता बढ़ेगी। उसके बाद योग निद्रा, कभी 8 मिनट या उसके बाद 18 मिनट का योग निद्रा सीढ़ी आती है आजकल, वो करने से नींद का मात्रा बढ़ जाती है। सो मेनी ऑफ द टाइम पोस्ट कोविड में डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, ब्रीदिंग वेरिएशन के कारण लोगों को क्वालिटी स्लीप नहीं आती है, इसमें भी रिकवरी का प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए वो ब्रीदिंग के बाद योग निद्रा किया, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव हो जाती है, उससे भी आपका लंग्स कैपेसिटी, लंग्स इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और डॉक्टर ईश्वर, चलते चलते आप आकाशवाणी के श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश नहीं है, ये एक विनती करूंगा। सबसे पहले इस पेंडेमिक कंडीशन में हमें क्या करना है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूंगा और मेरा फैमिली मेंबर्स, मेरा वर्क प्लेस में जितने हो सके तो मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, हाइजेनिक कंडीशन फॉलो करूंगा, स्वस्थ विचार और स्वस्थ आचार के लिए मैं प्रेरणा करूंगा। जी डॉक्टर ईश्वर, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोविड महामारी में योग के महत्व पर मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर वी बासव रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSGtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।